अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड हो गया था, यानी बहुत कम। पहले अगर मैं शायद दिन में 50 मरतबा अगर अपनी फ़ोन की तरफ देखता था, फेसबुक देखता था, तो अभी इस वक्त 5 मरतबा भी शायद मुश्किल से देख रहा हूँ। यही एक वजह थी कि मेरे आप पिछले दिनों में पोस्ट नहीं देखे होंगे, वीडियोज़ नहीं देखे होंगे। लेकिन अभी मैं बैठे बैठे मेरे पास एक मैसेज आया और वो ये कहता है कि भाई, टीचिंग इस्लामोफोबिया, तेलंगाना टेक्स्ट बुक्स शोज इमेज ऑफ टेररिस्ट होल्डिंग अ कुरान। मैं जब डिग डाउन करा तो ये देखा कि इसके अंदर 8th क्लास की एक बुक है सोशल स्टडीज़ की, जिसके पेज नंबर 291 के ऊपर ये तस्वीर लगी हुई है। और इसके अंदर क्या है, एक टेररिस्ट दिखा रहे हैं और उन्हें हाथ में राइट पे रॉकेट लॉन्चर है उसके, और जो है ना लेफ्ट हैंड में उन्हें जो सो कुरान पकड़ा हुआ है। और मेरा सवाल तेलंगाना की हुकूमत से है, केटीआर से है, केसीआर से है, कि आप लोग आए दिन अपना चेहरा दिखा रहे हैं। और मेरा सवाल उन टीआरएस कायदीन के लिए भी है, टीआरएस के अंदर जितने भी मुसलमान कायदीन हैं, अगर आप लोग इस मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठा सके, ना अहल हुकूमत से, आपके केटीआर अब्बास से, आपके केसीआर अब्बास से, अगर आप लोग का सवाल नहीं कर सके, तो मुंडी ऐसा करके थूक लो, ताकि वो थूक तुम्हारे मुंह पे गिर सके। अगर नहीं गिरा, अगर उससे भी ज़्यादा बदतर होना चाह रहे हैं, तो रोड पे चलने वाले एक छोटे बच्चे को पकड़ के बोलो कि हमारे मुंह पे थूको, हम लगा बेगरता हैं, हम लगा लानतियाँ हैं, हमारे मज़हब की जो है ना आए दिन मसाजिद को तोड़ा जाता है, हमारे मुसलमानों के इज़ा दी जाती है, हमारे वो हर तरीके से जो है ना नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और हर बार पार्लियामेंट के अंदर ये हमारी हुकूमत, जिसके हम तलवे चाट रहे हैं, जिसकी हम जी हुजूरी कर रहे हैं, वो हुकूमत जाके, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे CANRC हो, चाहे 370 का हो, चाहे कोई भी मामला हो, हर बार बीजेपी का साथ देती है। और ये लोग भी बीजेपी के नक्शे कदम पे चलते हुए मुसलमानों को आज तेलंगाना रियासत के अंदर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके आज हम इनके जूतियां उठा रहे हैं, बोल के हर वो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अंदर मुसलमान जो आज उसका मेंबर बना हुआ है, उनको अपने आप पे थूक लेने की ज़रूरत है ऊपर देख के। अरे शर्म की बात है, मैं ताजुब करा मेरे को। हालांकि कुछ लोग जिक्र भी करे, मैं बोला क्या तो भी चल रहा मसला आखिर बोल के मालूम ही नहीं। लेकिन वल्लाह ही बोलो ना, अभी देखा मैं, अब देखा जस्ट 2 मिनट पहले ये फोटो देखा, देखते मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ये क्या है भाई, क्या हमारी, मैं हुकूमत से सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमारी एजुकेशन कमेटी इतनी नाअहल है कि वो लोग, पहले तो देखिए कोई भी टेक्स्ट बुक, खास करके 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, क्योंकि 7th के बाद आप एक आप में एक अच्छा शऊर आ जाता, आप जो है ना क्या कह सकते हैं, आप ज्योग्राफी आ जाती है। ज्योग्राफी से मुराद कि आप दुनिया के जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में पढ़ने लगते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पढ़ने लगते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं। तो जब इन तमाम चीज़ों को छापा जाता है टेक्स्ट बुक्स के अंदर, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता तो उसके अंदर एक रिव्यूइंग कमेटी होती, तो वो कमेटीज़ क्या करते, टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू करते, रिव्यू करके जब अप्रूवल मिलता गवर्नमेंट का, ओके एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तब उसको ठप्पा लग के उन्हें मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होती। तो सबसे पहले वो पब्लिशर हराम, अब मैं खैर भाई गाली नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं बुरा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन वो नस्ले यजीद, वो हराम का पिल्ला जो भी है, सबसे पहले उसको अंदर करो कि उन्हें छापने की जरूरत कैसा करा। उसके बाद ये रिव्यू कमेटी से सवाल होना चाहिए कि भाई तुम लोग रिव्यू कैसा नहीं करे। अगर रिव्यू करे है तो क्या ये हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई है, हुकूमत चाह रही कि मुसलमानों को कमज़ोर करे। क्योंकि आज तेलंगाना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है, वाईएसआर राजशेखर रेड्डी साहब के बाद मुसलमानों में एक शऊर आया। उन्होंने जो स्कीम लेके आए थे मुसलमानों को, कांग्रेस की तरफ से जो स्कीम लाई गई थी कि भाई मुसलमानों को पढ़ने के लिए जो 5% रिजर्वेशन दिया गया था, उसके बाद मुसलमानों में एक शऊर आने लगा, मुसलमान पढ़ने लगे। तो ये कमीने देखते हैं कि मुसलमान पढ़ रहे हैं, मुसलमानों में शऊर आ रहा है, इनमें शऊर बेदारी हो रही है, एजुकेशन से इन्हों जो है ना बहुत ज़्यादा इनका कनेक्शन हो रहा। तो लफ्ज़ एजुकेशन के अंदर, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एनी नेशन टू प्रोग्रेस, तो ये समझ गए कि भाई अगर इन्हों पढ़ना शुरू करेंगे तो इन्हों प्रोग्रेस करेंगे। तो लफ्ज़ इनमें छोटे पने से बच्चों के दिमागों में ये डाल दो कि भाई अगर कहीं मुसलमान बच्चा दिखता है तो नॉन मुस्लिम बच्चा देख के जानू के अरे तुम लोग तो टेररिस्ट है, देखो तुम लोग के बारे में ऐसा, यहां तक कि किताबों में आता, बल्कि बचपने से छोटे लेवल से इनके दिमागों में जो है ना गलाजत डालने के लिए ये डाला जा रहा है। मैं हुकूमत तेलंगाना से और KTR KCR से और तमाम TRS के मुसलमान कायदीनों से सवाल करता हूं कि ये डालने की जरूरत कैसा हुई, किसकी हुई, अगर कल के दिन इस पर एक्शन नहीं होता है, पब्लिशर अगर जेल को नहीं जाता है, यकीन मानिए जो हो सकता है, इंशाल्लाह अगर मैं आया तो मैं जरूर आऊंगा। मैं इस चीज के लिए मैं इंडिया, अगर आया सका तो इंडिया भी आऊंगा, नहीं आ सका तो मैं अपने छोटे भाई को जहां जहां हो सकता है वहां वहां एहतजाज के लिए भी जाऊंगा। और यह चीज
ये चीज़ हुकूमत जो है ना इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और उन तमाम नाअहल कायदीनों के लिए भी बोलना चाह रहा हूँ जो उनके सदर मोहतरम के घर के ऊपर जो है ना, जब अगर कोई गुंडे प्री प्लान हमला करते हैं तो उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अल्लाह के घर पे इतने हमले हो रहे हैं, चाहे वो एक खाना मस्जिद हो, चाहे सेक्रेटरीट मस्जिद हो, चाहे वो जो है ना बहुत सारी तेलंगाना के मस्जिद हों, उसके ऊपर हमला होता है, उनको मिसमार किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है, जब इनके मुँह से इल्लल्लाह नहीं निकलता, तो आज देखो तुम्हारी मस्जिद के साथ साथ तुम्हारी कुरान को एक दहशतगर्दी के साथ जो है ना जोड़ के दिखाया जा रहा है। इसका मतलब तुम्हारे पूरे मजहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने तुम लोग बहादुर है, कितने केसीआर केटीआर के घर पे जाके धरना देते और बोलते कि भाई इनके खिलाफ, ये पब्लिशर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हर एक शख्स इसके खिलाफ वीडियो बनाइए, पोस्ट बनाइए, और जो है ना आप लोग जो है ना प्लीज इसके खिलाफ जो है ना पोस्ट करते जाइए, जितने लोग हो सकते हैं अपनी वीडियोस बनाइए, पोस्ट बनाइए, बना के पोस्ट करते जाइए, ट्विटर पे जाइए, केटीआर केसीआर को टैग करिए, उनसे सवाल करिए इनकी नाअहली के ऊपर। जजाकल्लाह खैर।